हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शो ऑनलाइन क्लासेस हम कर रहे हैं कॉमर्स के इम्पोर्टेंट एम की 1000 सीरीज़ और ये आज इसका पार्ट टू है इस पर हम कवर करेंगे 100 क्वेश्चंस को जो पीजीटी एग्ज़ाम्स यूपी स्टेट का दिल्ली स्टेट का डीएसएसबी का या फिर आपका आर्मी पब्लिक स्कूल के वी इन सब में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हमने यहाँ पर एक साथ कंपाइल किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं पीजीटी के चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल का हो या फिर यूपी स्टेट की जो पीजीटी की वैकेंसी आई है उसके लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन के साथ में गुड्स इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ़ एक्सपोर्ट इज़ नोन एज गुड्स जो हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से जो हमारे यहाँ आता है उसका जो पर्पज़ है एक्सपोर्ट के लिए उसको हम क्या बोलते हैं मतलब जो गुड्स हम खरीदते हैं और उसको बेचने के पर्पज़ से हम ले आते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं ऑप्शन ए हैं होम ट्रेड ऑप्शन बी फॉरेन ट्रेड ऑप्शन सी इंटरपोर्ट ऑप्शन डी ट्रेड तो इसका जो राइट right ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इंटरपोर्ट क्योंकि हम गुड्स लेके आए हुए हैं लेकिन उसको हमें क्या करनी है सेल आउट करनी है ये हो सकता है कि हम अमेरिका से माल लेके आए हैं इंडिया में और यहाँ से हम बांग्लादेश को भेज दें तो ये हमने परचेजिंग की है और उसके बाद हम सेल आउट कर दे रहे हैं या ऐसा हो सकता है कि हम इसको किसी और कंट्री में सेल आउट कर दें तो ये जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं इंटरप्रोट क्वेश्चन नंबर टू है एजेंट्स आर अपॉइंटेड बाय एजेंट्स किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं ऑप्शन है मैन्युफैक्चरर ऑप्शन बी होलसेलर ऑप्शन सी रिटेलर ऑप्शन डी प्रिंसिपल तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रिंसिपल क्योंकि प्रिंसिपल के द्वारा ही किसी भी एजेंट का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रिंसिपल यानी मालिक के द्वारा क्वेश्चन नंबर थ्री है हु एमंग दीज कैन चेक द प्राइस इन्फ्लेशन इन द मार्केट बाई होल्डिंग बैक द गुड्स वेन प्राइस फॉल एंड रिलाइजिंग द गुड्स वेन प्राइस राइज ऑप्शन ए एजेंट ऑप्शन बी मर्केंटाइल एजेंट ऑप्शन सी होल सेलर ऑप्शन डी रिटेलर तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज होल सेलर क्वेश्चन नंबर फोर है दीज आर एजेंट्स हुज फंक्शन इज टू ब्रिंक्स द बायर एंड द सेलर इन टू कॉन्टैक्ट ऑप्शन ए कमीशन एजेंट ऑप्शन बी सेलिंग एजेंट ऑप्शन सी ब्रोकर ऑप्शन डी स्टॉकिस तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज ब्रोकर क्वेश्चन नंबर फाइव है हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द एजेंट किस को अपॉइंट किया जाता है एज ए एजेंट ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑप्शन बी रिटेलर ऑप्शन सी मैन्युफैक्चर ऑप्शन डी होल सेलर तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑप्शन ए सी आई आई ऑप्शन बी एफ आई डबल सी आई फिक्की ऑप्शन सी आई सी आई सी आई ऑप्शन डी एसोच तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज आई सी आई सी आई वन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर एमंग दीज इज ऑप्शन ए पैडलर ऑप्शन बी जनरल स्टोर ऑप्शन सी हॉकर्स ऑप्शन डी चीप जैक्स राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसके लिए स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर के लिए वो होगा क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन में ऑप्शन नंबर बी जनरल स्टोर क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट है दिस रिटेल बिजनेस एक्ट एज अ यूनिवर्स सप्लायर ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑप्शन ए मल्टीपल शॉप ऑप्शन बी मेल ऑर्डर बिजनेस ऑप्शन सी टेली शॉपिंग ऑप्शन डी डिपार्टमेंटल स्टोर तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज डिपार्टमेंट क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू इफेक्ट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब से इफेक्ट में आया है ऑप्शन ए मार्च सिक्स नाइनटीन ऑप्शन बी अप्रैल एट नाइनटीन ऑप्शन सी फेबररी फाइव नाइन्टीन ऑप्शन डी जैन वन नाइन्टीन तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जैन वन नाइनटीन क्वेश्चन एक सौ दस है टोटल मेंबर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज प्रेजेंट आर ऑप्शन ए टू जीरो सेवन ऑप्शन बी वन नाइन्टी फाइव ऑप्शन सी वन सिक्सटी ऑप्शन डी वन सिक्सटी फोर तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन सिक्सटी फोर मेम्बर इस समय करंट में उसके मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन नंबर अलेवन है विच एमेंग दीज इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो डब्ल्यू टी ओ का हेड क्वार्टर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया ऑप्शन बी जिनेवा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जिनेवा जिनेवा इसका हेड क्वार्टर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी इनमें से कौन सा है जो वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है ऑप्शन ए आई एफ सी ऑप्शन बी आई आई डी एप्शन सी डब्ल्यू टी ओ ऑप्शन डी आई बी आर डी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं होता इनकी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है अलोंग विद द वर्ल्ड बैंक एंड डैश डब्ल्यू टी ओ इज़ द थर्ड इकोनॉमिक पिलर ऑफ द वर्ल्ड वाइड डायमेंसन्स ऑप्शन ए आई ई बी आई एम एफ ऑप्शन सी इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक दैट इज़ आई डी बी ऑप्शन डी आई एफ ओ तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आई एम एफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स आपको बताना इनमें से कौन सा है जो गलत है स्टेटमेंट इंडियाज ओट से इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज टेन परसेंट ऑप्शन बी बोथ द आई एम एफ एम एंड एंड आई बी आर डी हैव हेड क्वार्टर इन वाशिंगटन ऑप्शन सी आई बी आर डी इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक ऑप्शन डी बोथ आई एम आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक आर कॉल्ड ब्रिटन ब्रिटन ओट्स ट्वेंस तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा है जो गलत है तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया का जो वोटिंग शेयर है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में दस परसेंट है ये गलत न्यूज़ है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है एम द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डब्ल्यू तो डब्ल्यू का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे गलत दिया गया है टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट ऑप्शन ए ऑप्शन बी टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द मेम्बर कंट्रीज ऑप्शन सी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ़ द मेम्बर कंट्री ऑप्शन डी टू इन लार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द मेम्बर कंट्री तो ये वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं है भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑबजेक्टिव नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्लू तो इसमें से कौन सा है जो करंट डायरेक्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन ए पेस्कल लैमनी ऑप्शन बी महमूद राइट ऑप्शन सी सी डी के लाइव ऑप्शन डी रॉबर्टो एजवेडो तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉबर्टो एजेवो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है ट्रिम्स जिसको हम बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड रिलेटेड ऑस्पेक्ट ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट इज एडमिज बाई ऑप्शन ए डब्ल्यू बी यानी वर्ल्ड बैंक ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यू एन ओ ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओ ऑप्शन डी अंकटा जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर एटीन है हु इज़ द मोस्ट रिसेंटली अपॉइंटेड द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए जे एस दीपक ऑप्शन बी टी एस दीपक ऑप्शन सी अनवर हुसैन सायक ऑप्शन डी ब्रजेंद uh, नावनिक्थ तो इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है तो राइट right, जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज़ बैजेंद्र नवनीत क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है वाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है ऑप्शन ए कॉस्ट एसरटेन कॉस्ट एसरटेनमेंट ऑप्शन बी टैक्स एंड ऑप्शन सी फाइनेंशियल ऑडिट ऑप्शन डी प्रॉफिट एनालिसिस तो राइट right, ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ कॉस्ट एज सर्टेन करना ही कॉस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट ऑफ विच फर्म्स किसके लिए अप्रोप्रिएट होता है ऑप्शन ए ब्रिक लैंग फॉर्म ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑप्शन सी हॉस्पिटल और ऑप्शन डी ऑयल रिफाइनरी फर्म तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑयल रिफाइनरी फम दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वन है इन हाउ मेनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन कॉस्ट क्लासिफिकेशन कितने वेज में डन होता है हो जाता है ऑप्शन ए है थ्री वेज ऑप्शन बी टू वेज ऑप्शन सी है फोर वेज और ऑप्शन डी है मेनी वेज तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेनी वेज में वो क्लासीफाई हो जाता है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू है विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन इफ द कंपनी इज क्लोज्ड ऑप्शन ए शंक कॉस्ट ऑप्शन बी हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑप्शन सी शट डाउन कॉस्ट ऑप्शन डी इंप्यूटेड कॉस्ट तो राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शट डाउन कॉस्ट दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज ऑप्शन ए ओवर हेड एक्सपेंसिस ऑप्शन बी सेंट्री एक्सपेंसिस ऑप्शन सी चार्जेबल एक्सपेंसिस ऑप्शन डी मेजर एक्सपेंसिस तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्जेबल एक्सपेंसिस क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फोर है वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ विच कॉस्ट ऑप्शन ए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट ऑप्शन डी फैक्ट्री कॉस्ट तो राइट right ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्वेश्चन नंबर है वन ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी फाइव वॉट इज टेंडर टेंडर क्या होता है ऑप्शन ए इस्टीमेशन ऑफ कॉस्ट ऑप्शन बी इस्टीशन ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन सी इस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स ऑप्शन डी इस्टीमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस्टीमेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सिक्स है ए टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ सेल ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट ऑप्शन डी वर्क कॉस्ट राइट right ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्राइम कॉस्ट क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती है वो प्राइम कास्ट में आती है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट ओवर उसको मिला के बनती है प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन है व्हाट आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग ऑप्शन ए प्रोडक्ट कॉस्टिंग ऑप्शन बी प्रॉफिट शेयरिंग ऑप्शन सी प्लानिंग ऑप्शन डी कंट्रोलिंग तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग यानी प्रॉफिट शेयरिंग का काम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता है ट्वेंटी एट क्वेश्चन है टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ व्हाट टाइप ऑफ कॉस्टिंग किस टाइप की कंपनी जो टॉय मेकिंग कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की वो किस टाइप का अकाउंटिंग यूज करती है किस टाइप का कॉस्टिंग यूज़ करती है ऑप्शन ए मल्टीपल कॉस्टिंग ऑप्शन बी प्रोसेस कॉस्टिंग ऑप्शन सी यूनिट कॉस्टिंग ऑप्शन डी बैच कॉस्टिंग तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा उसका वो हो जाएगा बैच कॉस्टिंग क्योंकि बैच कॉस्टिंग जो है वो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो उनकी कॉस्टिंग में नहीं आता है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन है अकाउंटिंग फर्नीचस डाटा ऑन ऑप्शन ए इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स ऑप्शन बी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑप्शन सी कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर ऑप्शन डी ऑल द एबअब तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबअप तो अकाउंटिंग जो होती है वो फर्नीचस होती है फर्नीस डाटा है किसके लिए है ऑल द एबअप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर वन थर्टी है थर्टी क्वेश्चन इस वीडियो का लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल बट प्रोसेसिंग है वैल्यू आर कार्ड ऑप्शन ए इंटेंजिबल एसेट ऑप्शन बी फिक्स एसेट्स ऑप्शन सी करेंट एसेट ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटेंजिबल एसेट्स क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वन है दैट कैन बी इजली कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड दैट इज वन ईयर और लेस आर नोन एज ऐसी एसेट्स जिसका कन्वर्जन कैश में हो जाए ईजिली उसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शन ए करेंट एसेट ऑप्शन बी फिक्स एसेट्स ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट और ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है वो होगा करेंट एसेट क्योंकि करंट एसेट जो होती है उसका कन्वर्जन कैश एंड कैश के इक्विवेलेंट हो जाता है विद इन ईयर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है कॉपीराइट पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्कस आर इन सबको हम क्या क्या बोलते हैं क्या है ये ऑप्शन ए करेंट एसेट्स ऑप्शन बी फिक्स एसेट्स ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट और ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या होती है इंटेंजिबल जो दिखती तो नहीं है लेकिन ये बिजनेस की क्या होती हैं एसेट्स होती हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है द डेप्टिच आर टू बी रीपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ए ईयर और लेस आर रिफर्ड टू एज ऑप्शन ए करेंट लाइबिलिटी ऑप्शन बी फिक्स लाइबिलिटी ऑप्शन सी कंटीजेंट लाइबिलिटी और ऑप्शन डी है ऑल द एब तो राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका करंट लाइबिलिटी क्योंकि जिनका पेमेंट जिन भी लाइबिलिटीज का पेमेंट हम एक साल या एक साल के अंदर कर देते हैं उसे हम करेंट लाइबिलिटी में ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है ग्रॉस प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ़ गुड सोल्ड ऑप्शन सी सेल्स फ्योअर परचेज ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट पीरियड तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है एक्सेस ऑफ सेल्स गुड सोल्ड तो इससे हमें जो निकलता है, जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है नेट प्रॉफिट इज कम्पेड इन द ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन बी बैलेंस शीट ऑप्शन सी ट्रायल बैलेंस ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट तो नेट प्रॉफिट आपको पता है कहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है इसका आप देखिए इसका क्या हो सकता है ऑप्शन आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है एक हिस्से में दूसरे एक हिस्से में प्रॉफिट लॉस बनता है तो प्रॉफिट लॉस भी यहाँ जो बैलेंस आता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट तो ये किसका हिस्सा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा हुआ क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सिक्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी ऑप्शन ए डू दिस बाई स्टॉक टेकिंग ऑप्शन बी डिडक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सेल्स ऑप्शन सी डिडक्ट ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑप्शन डी लुक इन द स्टॉक अकाउंट तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए डो दिस बाई स्टॉक टेकिंग क्वेश्चन थर्टी सेवन है विच ऑफ दिज बेस्ट एक्सप्लेन फिक्स एसेट ऑप्शन ए आर ब्रॉड टू बी यूज इन द बिजनेस ऑप्शन बी आर एक्सपेंसिव आइटम बॉट फॉर द बिजनेस ऑप्शन सी आर आइटम विच

कंडीशन शुड बी चार्ज टू ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस ऑप्शन सी बैलेंस शीट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन है सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द ऑप्शन ए सेल्स अकाउंट ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट ऑप्शन सी परसेज अकाउंट ऑप्शन डी जनरल लेजर तो सप्लायर का जो पर्सनल अकाउंट होता है उसको हम कहाँ पे देखते हैं किस जगह पे देखते हैं तो ये इसको हम देखते हैं परचैर्ज परचेस अकाउंट में क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो जो सप्लायर होता है उसको हम वहाँ पर ट्रीटमेंट दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर वन है इफ़ यू वॉन्ट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ़ चेक सेंड आर वेस्टेड इन द पोस्ट यू शूड ऑप्शन ए ऑलवेज पे बाई कैश ऑप्शन बी क्रॉस योर चेक अकाउंट पे ओनली नॉट निगोशियेबल ऑप्शन सी ऑलवेज गेट द मनी इन परसेंस ऑप्शन डी नॉट यूज द पोस्टल सर्विस इन फ्यूचर तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रॉस योर चेक अकाउंट पे ओनली नॉट निगोशिएबल क्वेश्चन नंबर है 141 यानी 41 जिसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड आर ऑप्शन ए डिटेक्टेड बाय एस व्हेन वी पे आवर अकाउंट ऑप्शन बी डिटेक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश ऑप्शन सी गिवन बाय एस वेन बी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा उसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज डिडेक्टेड बाई अस वैन वी पे आवर अकाउंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है सेल्स इनवाइस आर फर्स्ट इंटरड इन सेल्स इनवाइज को सबसे पहले आप कहाँ पर इंटर करते हैं ऑप्शन ए कैश बुक ऑप्शन बी जब परचेज जनरल ऑप्शन सी सेल्स जनरल ऑप्शन डी सेल्स अकाउंट तो सेल्स इन्वाइस को जो हम सबसे पहले ट्रीटमेंट करते हैं वो करते हैं सेल्स जनरल में तो सेल्स जनरल में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है इंटर्ड इन परचेज जनरल आर ऑप्शन ए डिस्काउंट रिसीव ऑप्शन बी परचेज इनवाइस ऑप्शन सी पेमेंट टू सप्लायर ऑप्शन डी ट्रेड डिस्काउंट तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परचेज इनवाइज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंस ऑन द एक्यूमलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रीसी अकाउंट इज ऑप्शन ए ट्रांसफर टू अकाउंट ऑप्शन बी ट्रांसफर टू द एसेट अकाउंट ऑप्शन सी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन डी सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट इन द बैलेंस शीट तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट इन द बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर वन है इफ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज बी शुड ऑप्शन ए ड्रा डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट ऑप्शन बी डेबिट ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट स्टॉक अकाउंट ऑप्शन सी डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट स्टॉक अकाउंट ऑप्शन डी डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट ड्राइंग्स अकाउंट तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इफ़ बी टेक गुड्स फॉर ओन यूज बी शुड अगर हम गुड्स को खुद के यूज़ के लिए करते हैं यूज तो उसके लिए हम क्या जनरल एंट्री करते हैं तो इसके लिए जो बहुत ही आसान सा है आपका इसके लिए जो जनरल एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्योंकि बिजनेस से हम गुड्स को ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो परचेजेस है वो कम हो रही है इसलिए क्रेडिट में परचेज अकाउंट चला जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है वैन ए पैटी कैश बुक इज केप्ड देयर विल बी ऑप्शन ए नो एंट्री मेड एट ऑल इन द जनरल लेजर फॉर आइटम्स पेड बाई पेटी कैश ऑप्शन बी द सेम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द जनरल लेजर ऑप्शन सी फ्यूअर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेज़र और लास्ट ऑप्शन है मोर एंट्रीज मेड इन द जनरल लेज़र तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फीवर एंट्री मेड इन द जनरल लेजर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है इफ़ द ट्रायल बैलेंस टोटल डोंट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी इंटर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन ए ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट ऑप्शन सी द कैपिटल अकाउंट ऑप्शन डी ए सस्पेंस अकाउंट तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सस्पेंस अकाउंट क्योंकि अगर हम जब भी अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पे कुछ भी डिफरेंस आता है डेबिट या क्रेडिट साइड में तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको हम एज अ ट्रीट करते हैं सस्पेंस अकाउंट क्योंकि हो सकता है कुछ गलती हो लेकिन कौन सी गलती ये हमें पता नहीं होता है तो इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करते हैं वहाँ पर फोर्टी नंबर क्वेश्चन है इफ इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेनटेन फिक्स कैपिटल देन द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी ऑप्शन ए क्रिएटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑप्शन बी डेबेड टू कैपिटल अकाउंट ऑप्शन सी डेटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑप्शन सी ऑप्शन डी जो लास्ट ऑप्शन है क्रिएटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिएटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे इफ़ रिक्वायर्ड टू मेनटेन फिक्सड कैपिटल देन पार्टनर शेयर मस्ट बी ट्रांसफर टू अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन से या रिवेल्युशन से कहीं से भी हुआ है तो उसको आप पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट जो बनता है उसमें सिर्फ हम जो कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं वही ट्रीट की जाती है इसके अलावा अगर परमानेंट कैपिटल आती है तब वो आती है या परमानेंट ड्राॅइंग्स हो जाती है तब वही आती है इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं आती है आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल नेचर के अंदर क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है न्यूमेरिकल वैल्यू यूज एज ए समरी मेजर फॉर ए सैम्पल सच एज ए सैम्पल मीन इज नोन एज ऑप्शन ए पॉपुलेशन पैरामीटर ऑप्शन बी सैंपल पैरामीटर ऑप्शन सी सैंपल स्टेटिक्स ऑप्शन डी पॉपुलेशन मीन तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैंपल स्टेटिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है स्टेटिक्स ब्रांचेज इंक्लूड ऑप्शन है अपलाइड स्टेटिक्स ऑप्शन बी मैथमेटिकल स्टेटिक्स ऑप्शन सी इंडस्ट्री स्टेटिक्स और लास्ट ऑप्शन है इसका बोथ ए एंड बी तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर 151 है टू इनहस ए प्रोड्यूस द कंट्रोल चार्ट एंड प्रोसीजर आर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स आर क्लासीफाइड इन टू ऑप्शन ए बिहेवियल टूल्स ऑप्शन बी सीरियल टूल्स ऑप्शन सी इंडस्ट्री स्टेटिक्स ऑप्शन डी स्टेटिकल टूल्स तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहेवियल टूल्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू है स्टैटिक्स सैम्पल स्टैटिक्स आर आल्सो रिप्रेजेंट एज सैंपल स्टैटिक्स किसको रिप्रेजेंट करती है ऑप्शन ए लोअर केस ग्रीक लेटर ऑप्शन बी रोमन लेटर ऑप्शन सी एसोसिएट रोमन अल्फ़ाबेट ऑप्शन डी अपर केस ग्रीक लेटर तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोमन लेटर इसको ये रिप्रेजेंट करती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री है इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट फोकस ग्रुप द पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट आर कैटेगराइज एज ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा सोर्स ऑप्शन बी सेकेंडरी डाटा सोर्स ऑप्शन सी आइटमाइज डाटा सोर्स ऑप्शन डी पॉइंटेड डाटा सोर्स तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी डाटा सोर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर है द वेरिएबल हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट हाइट एंड लेंथ एंड वेट आर नोन एज ऑप्शन ए फ्लो चार्ट वेरिएबल ऑप्शन बी डिस्क्रीट वेरिएबल ऑप्शन सी कंटिन्यूअस वेरिएबल ऑप्शन डी मेजरिंग वेरिएबल तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा उस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी कंटिन्यूस वेरिएबल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव है ए मेथड यूज टू एग्जामिन इन्फ्लेशन रेट एंटिसिपेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू प्रोसीड प्रोडक्ट इज क्लासीफाई एज ऑप्शन ए डाटा एक्सपोर्टिंग टेक्निक ऑप्शन बी डाटा इंपोर्टिंग टेक्निक ऑप्शन सी फोरकास्टिंग टेक्निक ऑप्शन डी डाटा सप्लाइंग टेक्निक तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोरकास्टिंग टेक्निक क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस यूटिलाइजिंग इन ऑप्शन ए एजुकेशन स्टैटिक्स ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स ऑप्शन सी बिजनेस स्टैटिक्स और लास्ट ऑप्शन है सोशल स्टैटिक्स तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स ऑप्शन नंबर बी फिफ्टी सेवन है द स्केल अप्लाइड इन स्टेटिक्स विच इम्पॉर्ट ए डिफरेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रपोशंस इज कंसिडर्ड एज ऑप्शन ए स्पॉन्टियल स्केल ऑप्शन बी गुडनेस स्केल ऑप्शन सी रेशियो स्केल ऑप्शन डी सेटिस्फैक्ट्री स्केल तो इसका जो राइट right ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेशियो स्केल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल लेबर टर्नओवर रेट्स एक्सप्लेनिंग प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड आर एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए स्टैटिक्स इन प्रोडक्शन ऑप्शन बी स्टैटिक्स इन मार्केटिंग ऑप्शन सी स्टैटिक्स इन फाइनेंस ऑप्शन डी स्टेटिक्स इन पर्सनल मैनेजमेंट तो इसका जो राइट right ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्टैटिक्स इन पर्सनल मैनेजमेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन है एमेलगामेशन एंड रैपिड यूनिफिकेशन बेटबिन कंट्रीज कैन बी आइडेंटिफाई एस ऑप्शन ए ग्लोबलाइजेशन ऑप्शन बी लिबरलाइजेशन ऑप्शन सी सोशलाइजेशन ऑप्शन डी प्राइवेटाइजेशन तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लोबलाइजेशन ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी ग्लोबलाइजेशन आर इम्पोर्टेड क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूवड इन द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन ए ऑल द पीपल ऑप्शन बी वर्कर इन डेवलपिंग कंट्री ऑप्शन सी पीपल इन डेवलप्ड कंट्री ऑप्शन डी नन ऑफ द एब तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्कर इन डेवलपिंग कंट्री क्वेश्चन वन सिक्सटी वन है विच इंडियन इंडस्ट्री हैट बाई ग्लोबलाइजेशन ऑप्शन ए सीमेंट ऑप्शन बी जूट ऑप्शन सी टॉय मेकिंग ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन के लिए वो हो जाएगा टॉय मेकिंग कंपनी सिक्सटी टू है विच ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रेन ऑन द लिबलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सी डब्लू डी ओ और ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो राइट right ऑप्शन इसका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम डब्ल्यू डी ओ भी जानते हैं क्वेश्चन सिक्सटी थ्री है टैक्स ऑन इंपोर्ट कैन बी ट्रीटेड एज ऑप्शन ए कलेक्ट्रल ऑप्शन बी ट्रेड बैरियर ऑप्शन सी फॉरेन ट्रेड ऑप्शन डी टर्म ऑफ ट्रेड तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रेड बैरियर ऑप्शन नंबर बी सिक्सटी फोर है द मेन रीज़न बिहाइंड एम एन सी इन्वेस्टमेंट्स आर ऑप्शन ए टू बेनिफिट फॉरेन कंट्रीज ऑप्शन बी टू इम्प्रूव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंट्रीज गवर्नमेंट ऑप्शन सी फॉर द वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज पीपल ऑप्शन डी टू इंक्रीज द एसेट एंड अर्न प्रॉफिट तो राइट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी टू इंक्रीज दर्न प्रॉफिट सिक्सटी फाइव है विच इंस्टीट्यूट सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरन ट्रेड इन इंडिया ऑप्शन ए आई एम एफ आई एम ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू टी ओ ऑ ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड और ऑप्शन नंबर डी आई एल ओ जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू टी ओ सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन है व्हेन डिड द गवर्नमेंट रिमूव द वेरियर फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑप्शन ए वन नाइन नाइनटीन नाइनटी नाइन ऑप्शन बी नाइनटीन नाइन्टी वन ऑप्शन सी नाइनटीन नाइनटी टू ऑप्शन डी नाइनटीन नाइन्टी थ्री तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज नाइनटीन नाइन्टी वन द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट क्वाइंट इन ऑप्शन ए नाइनटीन फिफ्टी ऑप्शन बी नाइनटीन फोर्टी फाइव ऑप्शन सी नाइनटीन फिफ्टी फाइव ऑप्शन डी नाइनटीन सिक्सटी तो इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइनटीन फिफ्टी वन सिक्सटी एट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट द पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू ऑप्शन ए हेल्प बैंक मेक डिसीजन ऑप्शन बी पास ओरिएंटेशन ऑप्शन सी हेल्प इन्वेस्टर मेक डिसीजन ऑप्शन डी हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजन तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजन्स सिक्सटी नाइन क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ एस्टेबलिशिंग द स्टैंडर्ड इज ऑप्शन ए डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज स्टडी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स स्टडी ऑफ एग्जस्टिंग कास्टिंग सिस्टम ऑप्शन बी स्टडी ऑफ एग्जिस कास्टिंग सिस्टम स्टडी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स डिसीजनस अबाउट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज ऑप्शन सी स्टडी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स स्टडी ऑफ एग्जिस कास्टिंग सिस्टम डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज और लास्ट ऑप्शन है नैन ऑफ द एब तो सिक्सटी नाइन क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्टडी ऑफ टेक्निकल डिटेल स्टडी ऑफ एक्जिस्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एसिस्ट द मैनेजमेंट ऑप्शन ए इन प्लानिंग ऑप्शन बी इन प्लानिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑप्शन बी ओनली इन प्लानिंग ऑप्शन सी ओनली इन डायरेक्शन ऑप्शन डी ओनली इन कंट्रोल तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लानिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलर तीनों चीज़ों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग एसेट्स करता है मैनेजमेंट को क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनमें से कौन सा है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल है ऑप्शन ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्शन बी डिसीजन अकाउंटिंग ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और ऑप्शन डी है बजिटरी कंट्रोल तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में ए सी एन डी ऑप्शन बी ए बी एन डी ऑप्शन सी ए बी सी डी और ऑप्शन डी है ए बी एंड सी तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी ए बी एंड डी तो यहाँ पर सी वाला आपको नहीं है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा क्वाइंट किया गया है ऑप्शन ए आर एन एंथ्रोनी ऑप्शन बी जे बैक्ट ऑप्शन सी जेम्स एच ब्लिस ऑप्शन डी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज जेम्स एच ब्लिस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है इन अकाउंटिंग अप्रोच इन विच द एक्सपेक्टेड बेनिफिट एक्सड द एक्सपेक्टेड कॉस्ट इस क्लासीफाई एज ऑप्शन ए कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच ऑप्शन बी बेनिफिट अप्रोच ऑप्शन सी कॉस्ट अप्रोच और ऑप्शन डी है अकाउंटिंग अप्रोच राइट ऑप्शन जो होने वाला है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो किस में डील करता है ऑप्शन ए क्वालिटेटिव इन्फॉमेशन ऑप्शन बी क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑप्शन सी नन ऑफ द डी है बोथ ए एन बी तो इसका जो राइट right ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर का वो है ए एंड बी बोथ डिसीजन रिगार्डिंग यूजेस ऑफ मटेरियल काइंड एंड चार्ज इन प्लांट प्रोसेसिंग आर ए पार्ट ऑफ ऑप्शन ए हेल्प मैनेजमेंट ऑप्शन बी फ्यूचर मैनेजमेंट ऑप्शन सी कॉस्ट मैनेजमेंट और डी है पास्ट मैनेजमेंट तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन नंबर सी इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एम्प्रसाइज एंड फोकस मस्ट बी ऑप्शन ए पास्ट ओरिएंटेड ऑप्शन बी फ्यूचर ओरिएंटेड ऑप्शन सी बैंक ओरिएंटेड और ऑप्शन डी है कम्युनिकेटेड ओरिएंटेड तो सेवनटी सिक्स राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर ओरिएंटेड क्वेश्चन नंबर सेवनटी सेवन है इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरेक्ट इंटरेस्ट रेट दैन द फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑफ द कारपोरेट बॉन्ड बिल ऑप्शन ए रिटर्न टू द देश ऑप्शन बी डिक्रीज इन वैल्यू ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज ऑप्शन डी इनक्रीज इन वैल्यू तो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज इन वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स शोन फर्स्ट वेन द एसेट आर अरेंज इन दर्डर ऑफ दियर लिक्विडी लिक्विडिटी के बेसिस पे आपको यह अरेंज करना है कि कौन सी एसेट जो होगी वो होगी पहले ऑप्शन ए है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बी है कैश इन हैंड ऑप्शन सी है डेटर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एब तो इसके हिसाब से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कैश एंड कैश इन हैंड क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड है और चीज़ों को लिक्विड करना है तो जब हम पेमेंट करने की बात करते हैं लिक्विडिटी का तो सबसे पहले हम कैश की ही बात करते हैं सेवनटी नाइन है एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एसेट्स नोन एज ऑप्शन ए सिक्योरिटी ऑप्शन बी ब्लॉक ऑफ एसेट ऑप्शन सी पोर्टफोलियो और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव तो राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ पोर्टफोलियो क्वेश्चन नंबर एटी है ओवर द पीरियड इन्वेस्टर डिटरमाइन द कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ द ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बाई ऑप्शन ए अर्थमेटिक मीडियन ऑप्शन बी है अर्थमेटिक मीन ऑप्शन सी कैलकुलस मीन और डी है जियोमेट्रिक मीन तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज जियोमेट्रिक मीन एटी वन क्वेश्चन है इन्वेस्टर एग्री टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इफ ओनली ऑप्शन ए देर आर एनी ट्रू स्पेकुलेट ऑप्शन बी द प्रेडिकेट रिटर्न इज सेटिसफैक्ट्री फॉर टेकिंग ए रिस्क ऑप्शन सी देयर आर नो सेफ ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर होल्डिंग कैश ऑप्शन डी द रिटर्न इन शॉर्ट तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी द प्रेडिकेटेड रिटर्न इज सेटिसफैक्ट्री फॉर टेकिंग ए रिस्क एटी टू क्वेश्चन है इन कैपिटल मार्केट लाइन एवरी इन्वेस्टमेंट इज ऑप्शन ए फाइनेटली डिविजबल ऑप्शन बी इनफाइनटली बी डिविजन ऑप्शन सी बोथ ए एन बी और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी इनफाइनेटली डिविजबल एटी थ्री क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट वुड स्कोर हाई ओनली इफ देयर इज ए प्रोटेक्शन टू ऑप्शन ए रियल इस्टेट ऑप्शन बी प्रीफर्ड स्टॉक ऑप्शन सी गवर्नमेंट बॉन्ड और लास्ट ऑप्शन है कॉमन स्टॉक तो राइट right ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट बॉन्ड ए स्माल लोन अमाउंट गिवेन टू लो इनकम हाउस होल्ड और ग्रुप इज नोन एज ऑप्शन ए कैश क्रेडिट ऑप्शन बी माइक्रो क्रेडिट ऑप्शन सी रोलर क्रेडिट और लास्ट ऑप्शन है सिंपल क्रेडिट तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोलर क्रेडिट और लास्ट क्वेश्चन नंबर एटी फाइव है विच माइक्रोफोन्स इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द यूनिवर्सल बैंक ऑप्शन ए बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन बी आरोहन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और सी ऑप्शन है दिशा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और लास्ट ऑप्शन है एस के एस माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डोंट कंप्राइज़ ऑफ ऑप्शन ए कोऑपरेटिव ऑप्शन बी इंप्लाइज ऑप्शन सी बैंक और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एब तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी दैट इज इम्प्लायर्स क्वेश्चन नंबर एटीन सेवन है द इनफॉर्मल सेक्टर लोन इन कारपोरेट ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन बी मनी लेंडर्स ऑप्शन सी नाबार्ड और ऑप्शन डी ए एंड बी इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनी लेंडर्स वॉट ऑप्शन ब्लॉक द पुअर टू गेट बैंक लोन्स ऑप्शन ए एबसेंस ऑफ कलेक्ट्रल, ऑप्शन बी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन सी कंप्लेक्सिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑप्शन डी नन ऑफ द एब इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसेंस ऑफ कलेक्ट्रल। क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप द लोन एंड सेविंग डिसीजनस आर टेकन बाई ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑप्शन बी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सी बैंक और लास्ट ऑप्शन है ग्रुप मेंबर्स तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी दैट इज ग्रुप मेंबर्स क्वेश्चन नंबर नाइनटी है इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट क्रेडिट नीड्स ऑप्शन ए आई ऑप्शन बी नाबार्ड ऑप्शन सी आई और लास्ट ऑप्शन है एफ इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज नाबार्ड क्वेश्चन नंबर है एनी एलिमेंट्स लीक ग्राउंड फिल्ट्रेशन एंड आर कैरीड इन टू ग्राउंड वाटर इज नोन एच ऑप्शन ए लैंड कॉन्टेमिनेशन ऑप्शन बी नॉइज पॉल्यूशन ऑप्शन सी वाटर पॉल्यूशन और लास्ट ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाटर पॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू है साउथ अफ्रीका इज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बिच मिनरल साउथ अफ्रीका इनमें से कौन सा एक्सपोर्टर है वाटर मिनरल uh, के लिए लीडिंग एक्सपोर्टर है ऑप्शन ए कॉपर ऑप्शन बी डायमंड ऑप्शन सी सिल्वर और लास्ट ऑप्शन है इसका गोल्ड तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा गोल्ड का गोल्ड का जो साउथ अफ्रीका है वो लीडिंग एक्सपोर्टर है क्वेश्चन नंबर है नाइन्टी थ्री विच ऑप्शन इज करेक्ट वैन बी ओनली एक्प्लिश टू आउट ऑफ थ्री पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑप्शन है इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू वाइबल ऑप्शन बी सोशल प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल इज इक्वल टू वियरेबल ऑप्शन सी सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटेबल और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एब इसका जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एब क्वेश्चन नंबर है नाइन्टी फोर द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इंटू एग्जिस्टेंट इन द ईयर ऑप्शन ए नाइनटीन नाइन्टी टू ऑप्शन बी नाइनटीन सेवनटी एट ऑप्शन सी नाइनटीन ऐटी और लास्ट ऑप्शन है नाइनटीन एटी सेवन इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइनटीन एटी क्वेश्चन नंबर है नाइन्टी फाइव द यूनियन यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सी एस डी वॉज स्टार्टेड बाई द यूनियन जनरल असेंबली इन द ईयर ऑप्शन ए नाइनटीन नाइनटी फाइव ऑप्शन बी नाइनटीन नाइनटी फोर ऑप्शन सी नाइनटीन थ्री और लास्ट ऑप्शन है नाइनटीन नाइनटी टू लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइनटीन नाइनटी टू क्वेश्चन नंबर है नाइन्टी सिक्स आफ्टर माइनिंग द्यूज होल्स लेफ्ट बिहाइंड इज यूज फॉर ऑप्शन ए है वेस्ट वाटर स्टोरेज ऑप्शन बी है वेस्ट एंड वाटर स्टोरेज ऑप्शन सी है वेस्ट डिस्पोजल ऑप्शन डी है वेस्ट स्टोरेज तो इस क्वेश्चन का जो राइट right ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेस्ट डिस्पोजल क्वेश्चन नंबर है नाइनटी सेवन मर्करी एंड लीड आर टॉक्सिक एलिमेंट विच काजेस ऑप्शन ए नॉइस पोल्यूशन ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन ऑप्शन सी वाटर पोल्यूशन और लास्ट ऑप्शन है लैंड कंटेमिनेशन तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज लैंड कंटेमिनेशन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट है द वर्ड द अदर वर्ड ऑफ लैंड स्केपिंग इज ऑप्शन ए रिडक्शन ऑप्शन बी रिस्टोरेशन ऑप्शन सी रिमूविंग टॉप साइल ऑप्शन डी रिस्टोर तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज रिस्टोरेशन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन है वेन एवर द प्राइस ऑफ मिनरल रिमेन्स हाई द फॉर्म सिक्स फॉर ऑप्शन ए न्यू कंट्रीज ऑप्शन बी रिमेन्स द सेम ऑप्शन सी न्यू माइन न्यू माइन्स ऑप्शन डी न्यू डिपॉजिट तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज न्यू डिपॉजिट्स और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड यानी टू हंड्रेड ओवरऑल विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट इंकारनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर ऑप्शन ए जेंडर डिस्पैटी एंड डाइवर्सिटी ऑप्शन बी इंटर एंड इंट्रा जन जनरेन इक्विटी ऑप्शन सी कैरियर कैपेसिटी ऑप्शन डी नन ऑफ द एवब तो राइट ऑप्शन होने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एब तो ये था मेरा वीडियो कई कई जगह यहाँ पे आज वॉइस ओवर हुई है क्योंकि दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बाहर की आवाज़ें भी आई हुई हैं तो हो सकता है क्लैरिटी थोड़ी वॉइस की कम हो बट डिमांड थी इसलिए दिन में ही बनाना पड़ा मुझे ये वीडियो तो आप वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथ ही सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ और इस बार वॉइस आपको बहुत ज़्यादा क्लियर मिलने वाली है और डिटेल्स एनालिसिस के साथ अगली वीडियो होगी आज थोड़ा टाइमिंग कम थी इसलिए डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ तो अगली वीडियो का